मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के गांधी चौक में आयोजित कामगारों का सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने श्रमिकों के साथ बोरे बासी भी खाया। वहीं मुख्यमंत्री ने श्रमिक दिवस की सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्रमिकों के साथ भोजन करने का मौका मिला है। यहाँ श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। प्रबंध सरकार के दौर में ये योजना शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि भारत सरकार में 2 साल लेबर मिनिस्टर के रूप में काम किया। मैं गाँव का रहने वाला हूँ। श्रमिकों की समस्या को जितना हम समझते हैं उतना कोई भी नहीं समझ पाएगा। ये झोपड़ी में रहकर लोगों के लिए महल बनाते हैं। श्रमिकों को नमन करता हूं। हमारा विकास इन्हीं पर टिका हुआ है। आज के कार्यक्रम में हमर बीच में मंच में विराजमान हमर रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, हमर धरसीवा के विधायक श्री अनुज शर्मा जी, हमर विधायक पुरंदर मिश्रा जी और हमर छत्तीसगढ़ के गौरव कवि श्री सुरेंद्र दुबे जी, दीपक मस्के जी, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी और आयोजन समिति के सबो हमर महानुभवगण और सभी श्रमिक हमर माता बहनी मन, सज्जन मन और मीडिया के मित्रगण, मैं सबकर ले पहले पूरे छत्तीसगढ़ वासी मल्ला श्रमिक दिवस के बहुत बहुत बधाई देत हो, बहुत बहुत शुभकामना देत हो। आज ये जो विकास हमन देखा थन, चाहे गांव के विकास हो, चाहे शहर के विकास हो, चाहे सड़क हो, चाहे बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत हो, ऑफिस हो, रेलवे के ट्रैक हो, जो भी विकास है, ये सब के पीछे अगर काकरो हाथ है तो हमर श्रमिक भाई बहनी मन के हाथ है। ओमन के परिश्रम है, ओमन के पसीना है। आज मैं समस्त श्रमिक बंधु मन के नमन करत हूं कि खुद गरीबी में रह के, खुद झोपड़ी में रह के दूसर पर बड़े बड़े महल उपलब्ध कराने वाला, बड़े बड़े ऑफिस उपलब्ध कराने वाला, खुद साइकिल और पैदल में चल के मोटर गाड़ी और रेल के लिए ट्रक और ट्रैक और सड़क बनाने वाले, ये पूरा छत्तीसगढ़ चाहे देश कर विकास से हमार श्रमिक भाई बहनी मन के हाथ में है, उनके परिश्रम में है, उनके पसीना में है। मोर सौभाग्य रही से कि मोदी जी के पहले कार्यकाल में 2 साल श्रम मंत्री राज्य के रूप में काम करे के मौका मिली, और उस समय बहुत एकन काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमन श्रम मंत्रालय में करें। एक तो मिनिमम पेंशन वो समय बहुत कम रही से, कोनोला 75 रुपया मिले, कोनोला 100 रुपया मिले, ओकर से ज्यादा वो पैसा के लेहक में ओकर खर्चा हो जाए, लेकिन मोदी जी कहीं कि एक मिनिमम पेंशन फिक्स करो। 1 मई है, श्रमिक दिवस है। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को श्रमिक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारा सौभाग्य है यहां श्रमिकों के बीच में आने का मौका मिला, उनके साथ भोजन करने का मौका मिला और मैंने उनसे बात की। यहां पर श्रमिकों को रोज 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है और इसकी शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी की थी और आज तक वो लगातार चल रहा है। सारे श्रमिक यहां पर सवेरे आते हैं और भोजन करते हैं और जहां भी उनको काम मिलता है चले जाते हैं।